जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। पुलवामा अटैक के चलते मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद भारत ने पाकिस्तान को दूसरा झटका तब दिया जब भारत ने पाकिस्तान निर्यात किए जाने वाले सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दिया। भारत के इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से निर्यातित उत्पादों पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि पुलवामा में पाकिस्तान की कायराना हरकत से सरकार के साथ देश के किसानों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के किसानों ने अपना टमाटर पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में आलम यह है कि अब पाकिस्तान में टमाटरों की कीमत लाल हो गई है। भारत में टमाटर की कीमत से आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन क्या आप पाकिस्तान में टमाटरों की कीमत को जानते हैं? दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान निर्यात किए जाने वाले सामानों पर जब से बेसिक कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ाया है, उसके बाद से पाकिस्तान में टमाटर का भाव आसमान छू रहा है। और पाकिस्तान के लाहौर में तो टमाटर 180 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। टमाटर के बढ़ते दामों की वजह से पाकिस्तान परेशान हो उठा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी अब काफी महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब तक टमाटर भारत से निर्यात हुआ करते थे। भारत ने बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई तो किसानों ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। किसानों ने पाकिस्तान को अपना टमाटर भेजने से इनकार कर दिया है। पुलवामा हमले के बाद देश के किसान सरकार की सख्ती के साथ खड़े हैं। हमारे मन में तो यही पीड़ा है कि जो हमारे 40 जवान आज शहीद हुए हैं, हम किसान हैं, हम टमाटर अन्न पैदा करते हैं, जो टमाटर हम पाकिस्तान को भेजते हैं वो पाकिस्तान वही टमाटर खा के हमारे जवानों को नौजवानों को जो मार रहे हैं। यही हम तो हमारे गांव से एक एक जो यंग लड़का है यही चाहते हैं, अगर ये कोई हमको भर्ती करता है तो हम अपने छाती पे बम बांधकर और सारे पाकिस्तान में कूद के पूरे पाकिस्तान को सफाया करना चाहते हैं। हम टमाटर पका के हम पाकिस्तान भेज रहे थे और पाकिस्तान वाले हमारे टमाटर खा के हमारे इधर के लोगों को मारते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान टमाटर नहीं भेजेंगे और जय जवान जय किसान और हमारे जवानों को ही मार रहे हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए हम पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजेंगे। हालांकि किसानों को अपने इस फैसले का काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन देश हित में किसान इस नुकसान को उठाने के लिए भी तैयार हैं। और तो और देश के किसान यहां तक कह रहे हैं कि भले ही टमाटर फेंकना पड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान को टमाटर वो नहीं बेचेंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में भी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते आपूर्ति बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लाहौर और पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों में टमाटर की कीमत बढ़कर 300 रुपए किलो के स्तर पर पहुंच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।